जी मंदिरों में कपाट बंद कर दिए गए हैं, पूजा पाठ नहीं हो रहे हैं, ऐसे में आप लोग क्या? देखिए, हम लोगों की सोच तो ये है कि मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में और जितने भी जो भी धर्म स्थल हैं उनमें जब कोई आदमी जाता है भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो ईश्वर से प्रार्थना के नतीजे में आने वाली बीमारी भी टल जाती है। अब तक का तजर्बा यही रहा है। अखबारात से भी ये मालूम होता है, चीन में जब बीमारी ये आई तो चीन की मस्जिदों में और जितने गुरुद्वारे थे या धर्म स्थल थे उन सबको खोल दिया गया, उसमें कहा गया प्रार्थना कीजिए। तो हम समझते हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको सफाई सुथराई के बारे में तो कहा जाए कि सफाई सुथराई रखें और बच बचा के लोग जाएं, लेकिन भगवान से, ईश्वर से दुआ करना न भूलें, क्योंकि भगवान और ईश्वर ही चाहेंगे तो बीमारी से हम महफूज रह सकते हैं और हमारा मुल्क भी महफूज रह सकता है। देखा है तो दुआ में दम है भाई। दुआ तो दुआ करने वाले के ऊपर होती है। दुआ करने वाला अगर बेहतर आदमी होता है तो उसकी दुआ में दम होती है, और दुआ करने वाले के अंदर ही अगर अच्छाई नहीं है तो दायरे की दुआ के अंदर तो दम नहीं होगी। इसीलिए तो कहा जाता है जो भी बीमारी आती है ये हम इंसानों के गलत अमल के नतीजे ही में आती है। इसलिए ये बीमारी आई है तो हम सारे इंसानों को सोचना चाहिए कि कहीं हम इंसानियत का खून तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हम दुरुस्त कर लेंगे और दुआ करेंगे तो हमारी दुआ ज़रूर सुनी जाएगी। तो क्या देखा जाए कोई संदेश है? संदेश यही है कि सारे लोग जागरूकता बरतें, बेदार रहें, अफवाहों से दूर रहें और उससे बचाव की जो तदबीरें हों तदबीरें अख्तियार करें। अगर किसी को खांसी आ रही है या इस तरह की चीज़ें हैं जिससे वायरस फैलने का इम्कान है उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें, एहतियात रखें, और अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करें। हमारे मऊ में भी जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी वार्ड बने हुए हैं, फौरी तौर पर जा करके जाँच कराएँ ताकि किसी दूसरे को उस मुसीबत से हम बचा सकें, दूसरे उसमें ना आ सकें। हाँ देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को झिझोड़ के रख दिया है। इत्तलात के मुताबिक तो ये बीमारी चीन से शुरू हुई, चीन में तो फिलहाल उस पर कंट्रोल नज़र आ रहा है, लेकिन वो बीमारी चीन से बढ़ करके दीगर मुल्कों में पहुंची और हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो दुनिया का एक अदीम और बड़ा मुल्क है इस मुल्क में भी उसने दस्तक दिया है, और आज की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मौतें भी सिलसिले में हुई हैं। हुकूमत ने इसकी अहमियत को और इसकी नुकसानदेह पहलू को सामने रखते हुए मुख्तलिफ ऐलानात कर रखे हैं। एहतियात के तौर पर उसने सारे स्कूल, मदारिस और जितनी संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं को बंद कर रखा है। मदरसों को भी बंद करने का आदेश हुआ, तो मऊ के मदरसे जहाँ हम लोग रहते हैं, खुद मैं मुफ्ताउल साइकट्रे में हूँ, यहाँ पर उस आदेश के मुताबिक पूरे तौर पे अमल हुआ, मदरसे को बंद कर दिया गया, हॉस्टल को भी खाली करा दिया गया, और ऐलान मिलते ही हम लोगों ने ऐलान निकाल दिया, नादिम साहब की तरफ से ऐलान निकल गया कि अब सारा हॉस्टल खाली हो रहा है, इसलिए बच्चे अपने अपने घरों को चले जाएँ। हॉस्टल खाली है और इस बीमारी से बचाव की जो तदबीरें हैं उन तदबीरों के बारे में लोगों को बेदार किया जा रहा है। कल DM साहब भी साइकट्री के मैदान में आए हुए थे और CMO साहब भी थे। हम लोगों ने मुख्तलिफ जगहों को जाकर के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर लोगों को बेदार किया और समझाया कि इस बीमारी से बचने के लिए सफाई सुथराई बेहतरीन तदबीर है, कि अपने हाथों को बार बार साफ करते रहें और जहाँ भी हाथ पड़े उस जगह को भी साफ रखें, अपने कपड़ों को भी साफ रखें, मकानात में पोछा वगैरह लगाते रहें। बल्कि CMO साहब ने कहा कि पानी में ब्लीच डाल करके उससे पोछा लगाया जाए। तो जो तदबीरें बतलाई जा रही हैं उन तदबीरों पर अमल किया जा रहा है और लोगों को भी उस पर अमल करने की तलकीन की जा रही है, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से इस बीमारी पर रोक आएगी। हमारा जो मजहबी और धार्मिक नज़रिया है वो यही कि हर बीमारी भगवान ही की तरफ से, अल्लाह ही की तरफ से आती है और उन्हीं के चाहने से बीमारी दूर भी हो जाती है, लेकिन इंसानों को उसके बचाव की तदबीर करना चाहिए। इसलिए हम लोग उसके बचाव की पूरी तदबीर कर रहे हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि अफवाह में ना पड़ें और किसी किस्म के डर और खौफ में रहने की ज़रूरत नहीं है। एहतियाती इकदाम करें, डर खौफ की ज़रूरत नहीं, अफवाहों से बचते रहें
अपने शहर को, अपने घरों को, गली कूचियों को साफ सुथरा रखने का एहतमाम करें। उम्मीद है कि हमारा शहर इस बीमारी से बिल्कुल महफूज रहेगा। कल सीएमओ साहब ने बताया कि हमारे शहर के अंदर इस तरह की अब तक कोई बीमारी की तहकीक नहीं हुई है, तो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारा ये शहर और शहरी नहीं बल्कि हमारा मुल्क जो है बहुत जल्द इस वबा से महफूज हो जाएगा। और बाकी जो कुछ देखा जा रहा है तो कि अभी लोग इसको हल्का से समझ रहे हैं इसके नहीं, अब तो ये लोग समझ रहे हैं कि इससे कबल किसी दौर में ज़माने में ताउन की बीमारी चलती थी जो वबाई बीमारी थी और बहुत ज़्यादा मौतें हुई थीं। बल्कि बाद जगहों पर तो ऐसी कब्रिस्तान है जहाँ पर वबाही में जो लोग शिकार थे उन्हीं को दफन किया गया था। तो अब ये लोग महसूस करने लगे हैं कि ये बीमारी भी ख़तरनाक रुख अख्तियार कर सकती है, इसलिए उसके बचाव की अब फिक्र लोग कर रहे हैं।